हाय, मैं हूं निकिता शर्मा और आप लोग देख रहे हैं INN24। देखते रहिए। नमस्ते, मैं हूं अभिषेक बच्चन, कीप वॉचिंग INN24। नमस्कार, न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। कृषि विभाग की ओर से कृषि विकास योजना अंतर्गत एक दिवसीय कृषि प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सामुदायिक भवन में किया गया। सहायक कृषि अधिकारी दिलदार सिंह राजोरा ने बताया कि शिविर में क्षेत्र के लक्ष्मीखेड़ा, छोटी बिजौलिया, किशन निवास जलिंद्री व उमा जी का खेड़ा गांव के 239 किसानों ने भाग लिया। प्रशिक्षण लक्ष्मी नारायण ब्रह्म भट्ट व पूर्व सहायक कृषि अधिकारी मन्नालाल धाकड़ ने किया। इस दौरान सुपरवाइजर उदयलाल कोली, ललित धाकड़, हीरालाल धोबी, बिमला खटीक मौजूद रहे। जमशेदपुर कुवाली थाना में हुई शांति समिति की बैठक में ग्रामीण एसपी सुभाष चंद्र जाट ने कहा, असामाजिक तत्वों के द्वारा यदि किसी प्रकार के सांप्रदायिक सद्भावना और सौहार्द बिगाड़ने का जो प्रयास करता है, उन्हें किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए लोगों से अपील है कि किसी भी प्रकार के अफवाह पर ध्यान नहीं दें और पुलिस को सूचित करें। वहीं इस बैठक में डीएसपी पीताम्बर सिंह खेरवाड़, थाना प्रभारी दिवाकर दुबे, वहीं दो पंचायत के मुखिया, सामाजिक लोग शामिल हुए। पिछले साल कुछ घटना हुई थी यहाँ पे तिलाई पहाड़ पे, और आज भी कुछ असामाजिक तत्वों ने एक चादर रख दी थी जिसके कारण कोई तनाव पैदा ना हो, इसलिए हमारे डीएसपी साहब, एसडीओ साहब और थाना प्रभारी लोग वहाँ पे गए थे। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कि कोई भी असामाजिक तत्व कोई सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस नहीं पहुँचा सके, कोई दंगा नहीं भड़का सके, इसलिए भी यहाँ पे एक पीस कमेटी की मीटिंग की गई है। और पीस कमेटी की मीटिंग में सभी गणमान्य लोगों ने आश्वासन दिया है कि इस तरह के जो भी काम करेगा, जो गैरकानूनी है, जो भड़काऊ है, उसके खिलाफ आवश्यक और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये मेरी तरफ से भी जनता को आश्वासन है और सभी लोग मिलजुल कर काम करके ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करके हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। कहा तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहा मयस्सर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। सांसद आदर्श ग्राम की तस्वीर को देखकर अनायास सी दुष्यंत याद आ गए। उनकी यह पंक्ति इस गांव की सूरत और सीरत पर सटीक बैठती है। कोडरमा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले इस गांव को सांसद आदर्श ग्राम के रूप में चयनित किया गया तो लोगों की उम्मीदों को मानो पर लग गए हों। हर ओर उत्साह का माहौल था। आज आलम यह है कि तमाम मूलभूत सुविधाओं से महरूम इस गांव में लोग कोई रिश्ता तक जोड़ना नहीं चाहते। जी हाँ, कोडरमा सांसद डॉक्टर रविंद्र राय ने इस गांव को जब गोद लिया था तो लंबी चौड़ी लफाजिया गढ़ी गई थी। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल आदि से इस गांव को सुसज्जित करने की बातें हुई थी, लेकिन आज सांसद का टेन्योर खत्म होने को आ गया, फिर भी इस गांव की तस्वीर और तकदीर नहीं बदल पाई। कुल मिलाकर सांसद आदर्श ग्राम के नाम पर यहां सिर्फ और सिर्फ ग्रामीणों को धोखा ही मिला। जमीनी हकीकत आदर्श शब्द से कोशों दूर है और यह गाँव सरकार की कथनी व करनी का फर्क चीख चीख कर बयां कर रहा है। बाहर में पढ़ते हैं लेकिन मेरा गाँव यही है चौड़ी, लेकिन यहाँ पर सांसद गोद लिया हुआ गांव है लेकिन यहाँ पर कोई तरह का विकास नहीं है, ना कि सड़क है, ना पानी है, ना और कुछ है, मतलब कोई चीज सुविधा से गांव वंचित है। यहाँ सभी प्रकार की दिक्कत है, यहाँ ना कि रोड है, ना कि कोई रिश्तेदारी लोग आ पाता है, ना किसी का शादी सही ढंग से हो पाता है, ना और यहाँ पर रिश्ता करने के लिए कोई भी गेस्ट लोग आना नहीं चाहते हैं। सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली का व्यवस्था। कोडरमा के चंदवारा स्थित दो मुहानी धाम में विधायक मनोज कुमार यादव ने मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर कंबल वितरण व दही चूड़ा कार्यक्रम में हुए शामिल। विधायक की अनुशंसा पर झारखंड सरकार पर्यटन विभाग द्वारा 39,97,000 राशि की लागत से मंदिर परिसर का सौंदर्यकरण की घोषणा की। उन्होंने कहा, बहुत जल्द इस धाम का सौंदर्यकरण का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।
जिससे यहां आने वाले दर्शनार्थियों को यह धाम आकर्षित करेगी। हालांकि यह दुमुहानी धाम पूर्व से ही धरना स्थल के रूप में विख्यात है, जहां सालों भर भक्तों का आना जाना लगा रहता है। जो सावन माह में हजारों भक्त कांवर में जल भरकर लगभग 35 किलोमीटर की दूरी नंगे पांव चलते हुए भगवान भोले की शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। गिरिडीह साइबर पुलिस ने 3 शातिर साइबर अपराधियों को पकड़ने में कामयाबी तो पा ली है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि गिरिडीह में साइबर अपराधियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक ओर पुलिस लगातार अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने में लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर शातिर अपराधी नए नए हथकंडे अपनाते हुए अपराध को अंजाम देने में लगे हुए हैं। इस क्रम में गिरिडीह पुलिस कप्तान को गुप्त सूचना मिली और उसके आधार पर उन्होंने एक टीम गठित कर कार्रवाई करने का आदेश दिया और उनके आदेशानुसार प्रशिक्षु आईपीएस नाथू सिंह मीणा ने एक टीम गठित कर इंस्पेक्टर आदिकांत महतो तथा एएसआई राजीव कुमार सिंह के सहयोग से गिरिडीह बस अड्डा के समीप तीनों शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 3 मोबाइल, 11 सिम तथा 11 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। एक प्रेस वार्ता आयोजित कर डीएसपी नवीन कुमार सिंह ने उक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह अपराधी पूर्व में एटीएम बदलकर बैंक खाते से पैसा उड़ाने का कार्य करते थे, अब यह लोग साइबर अपराध में भी जुड़ गए हैं। इन शातिर अपराधियों के माध्यम से कई सारे गुप्त सुराग मिलने वाले हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में साइबर अपराधियों पर गिरिडीह साइबर पुलिस और भी सख्ती से कार्रवाई करेगी। के पुलिस कप्तान श्री सुरेंद्र कुमार झा सर के सूचना के आधार पर एक टीम बनाई गई थी प्रोफेशनल आईएएस आईपीएस श्री नाथू सिंह मीना के नेतृत्व में। टीम में पुनी आदिकांत महतो और राजीव कुमार सिंह थे। स्वच्छता को जीवन की पहली आवश्यकता माना जाता है। हमारे देश में महात्मा गांधी एवं अन्य महापुरुषों ने स्वच्छता को अत्यंत आवश्यक बताया, परंतु आज ग्वालियर में ग्वालियर नगर निगम के द्वारा जगह जगह पर लापरवाही के कारण गंदगी के अंबार बन गए हैं। शहर के प्रमुख स्थानों जैसे फूलबाग एवं तानसेन नगर, कटोरा ताल पर गंदगी पाई गई। जब हमारे द्वारा पूरे शहर में गंदगी का सर्वेक्षण किया गया तो यह पाया गया कि शहर के प्रमुख स्थानों में शौचालय अत्यंत गंदी अवस्था में हैं एवं शहर में स्वच्छता को लेकर कोई भी अच्छे इंतजाम नहीं किए गए। सोचने का विषय यह है कि जब शहर में नगर निगम को स्वच्छता के लिए इतना फंड दिया जाता है तो फिर शहर में शौचालय एवं सड़कों के पास इतना कचरा क्यों पड़ा हुआ है। शहर में किसी भी शौचालय पर ना तो ठीक से छत पाई गई और ना ही साफ सफाई की व्यवस्था पाई गई। कैंसर पहाड़िया पर जब हमारी टीम के द्वारा सर्वेक्षण किया गया तो यह पाया गया कि वहां पर शौचालय तक नहीं है एवं वहां की जनता खुले में शौच करने को मजबूर है। निगम कमिश्नर विनोद शर्मा से इस विषय पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। अब सोचने वाली विषय यह है कि शहर में गंदगी के लगे हुए अंबारों का आखिर क्या होगा एवं इसके लिए कौन जिम्मेदार है। बस्ती बनी हुई है, ये बस्ती किस नाम से है यहाँ पे? अभी तो कोई नाम नहीं दिया गया है इसको। कैंसर पहाड़ी चलती है, कैंसर पहाड़िया के नाम से। तो यहाँ पे सरकार की तरफ से सफाई के लिए आप लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? कोई व्यवस्था नहीं की गई है। शौचालय के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। शौचालय नहीं बनवाया गया आपके लिए? कुछ लोगों के लिए बने हुए हैं, वो अधूरे बने हुए हैं, वो उपयोग में नहीं आ रहे हैं। किसी को वो ईंटे दे दिए, किसी को बजरी दे दिए, ऐसा किया। माल पटक के चले गए थे और मैं जो जा रहे थे भाई तू अपने जैसे बनाया था बनाया। कोई व्यवस्था नहीं, कोई टैंकर आता है एक दिन छोड़ के, उस पे भी बहुत किल्लत होती है। टैंकर पे एक टैंकर है, उसमें कम से कम 40-50 लोग आदमी पानी भरते हैं। मुश्किल से किसी को 2 कट्टी किसी को मिलते ही नहीं है ऐसा समझ। और एक दिन छोड़ के पानी आता है। तो शौच करने आप लोग कहाँ जाते हैं? इसी मैदान में जाते हैं, मैदान दिख रहा सामने। करनी पड़ती है आपको, मजबूरी करने पड़ रहा है। हमने सुना बिजली की व्यवस्था भी नहीं है। बिजली की व्यवस्था सरकार की कमाल तो बिजली तो है, मतलब ये रोड पे लाइट वगैरह नहीं आ दे रहे, वैसे कीड़े मकोड़े कुछ भी साफ पीछे हो जाए, मतलब कोई एक कोई एक। अच्छा तो ये बताइए, मान लो किसी को रात को शौचालय जाना है तो इसी ग्राउंड में रात को अकेले ग्राउंड में जाते हैं, जंगल में जाना पड़ता है? ये तो बहुत मतलब खतरे वाली बात भी है आप लोगों के लिए। बीते दिनों लोकसभा में ट्रांसजेंडर बिल को पास किया गया, जिसमें किन्नरों के मौलिक अधिकारों का हनन किया गया। खुशी के कार्यक्रमों में किन्नर आशीर्वाद देने व दुआ देने कार्यक्रमों में जाते हैं। उस मौके पर किन्नरों को शुभ माना जाता है, लेकिन इसे शिक्षा के पात्र में डालने की कोशिश की जा रही है और किन्नरों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया गया, लेकिन जो किन्नर पहले से एससी, विजयंती व दीगर जाति में शामिल हैं, उनके बारे में कोई नियोजन नहीं बताया गया।
पत्रकार परिषद में जन सत्याग्रह संगठन किन्नर सेल अध्यक्ष गुरु सिमरन नायक अम्मा जी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि वह भी समाज का एक हिस्सा हैं, उनके भी अधिकार हैं। उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर बिल को रोका जाए, राज्यसभा में इसे पास ना किया जाए, इसके विरोध में निषेध में जंतर मंतर दिल्ली में किन्नर समाज की ओर से भव्य आंदोलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे भारत से 20 जनवरी को किन्नर समाज जंतर मंतर दिल्ली सरकार के इस फैसले के विरोध में हजारों की जनसंख्या में पहुंच रहे हैं। इसमें गे व लेस्बियन भी पहुंचेंगी। इस पत्रकार परिषद में जन सत्याग्रह संगठन किन्नर सेल अध्यक्ष गुरु सिमरन नायक अम्मा जी ने पत्रकार परिषद में जानकारी दी है। इस मौके पर गुरु सिमरन अम्मा जी, मुस्कान मोंगरा अम्मा जी, मुस्कान गुरु सिमरन, आलिया गुरु सिमरन, प्रिया गुरु, सना मेघा, सारिका सह इतर किन्नर आदि उपस्थित थे। मैं बोल रही हूँ जन सत्याग्रह संगठन की सेल अध्यक्ष गुरु सिमरन अम्मा जी अकोला से, और हम लोग 20 तारीख को दिल्ली के अंदर जंतर मंतर मैदान में 20 जनवरी को आंदोलन रखा गया है। इस आंदोलन में सारे जितने इंडिया के अंदर जितने किन्नर लोग है, गे लोग है, लेस्बियन है, बायसेक्सुअल है, सब लोगों को आह्वान करते हैं हाथ जोड़ के कि सब लोग आप पधारिए, इसमें आपका वेलकम है, और इस बिल को ट्रांसजेंडर बिल को निषेध करिए। तो ये निषेध इसलिए कर रहे हैं हम लोग कि ये लोग हमारे लोकसभा के अंदर ये बिल पारित किया गया है, लोकसभा के अंदर से राज्यसभा में ये बिल ना जाए। हमारी जो नेक लेने की परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, सदियों से चली आ रही, मुगलों के जमानों से, राजा रजवाड़ों के जमानों से, और पुरखों से जमानों से जो चली आ रही, भगवानों के जमानों से जो चली आ रही है, इसको खारिज ना किया जाए, ये हमारी परंपरा ऐसी रहने दी जाए। और दूसरा हमारा ये है कि जो गुरु चेलों की जो परंपरा है हमारी, जो सदियों से चली आ रही है, तो गुरु चेलों की परंपरा को भी हम लोगों को वो ना किया जाए। और तीसरी बात हमारी ये है कि जो किन्नरों को ओबीसी कैटेगरी में डाला जा रहा है, तो ओबीसी कैटेगरी में ना डाला जाए किन्नरों को, इस बात को अच्छे से सोचा जाए, इस पर अच्छा विचार किया जाए कि सभी किन्नर ओबीसी कैटेगरी के नहीं रहते, कोई एससी कैटेगरी में भी पैदा होता है, कोई ओबीसी में होता है, कोई दूसरे अदर कास्ट में पैदा होता है, ठीक है। तो इसको सोच समझ कर लोकसभा में बिल जो पारित हुआ है उसने विचार करा जाए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN24 पर। नमस्कार। Please keep watching INN 24.